जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी के विदेशी धरती पर किए गए बड़े ऑपरेशंस में से एक ऑपरेशन कुकरी की बात करेंगे कि इस खतरनाक ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया था। दोस्तों ऑपरेशन कुकरी भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी मिसाल है जिसे याद कर आज भी भारतीय नागरिक गर्व महसूस करते हैं। दरअसल यह ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन सियेरा लियोन के तहत अफ्रीका में अंजाम दिया गया था। वैसे ही एक बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन था जिसमें भारत के अलावा घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया भी शामिल थे, लेकिन इस ऑपरेशन को केवल भारतीय सेना ने अपने दम पर अंजाम दिया था और विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट यानी RUF के चंगुल में ढाई महीने से फंसे 223 भारतीय जवानों को सही सलामत आजाद कराया था। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के शांति मिशन में लगे भारतीय सेना के जवानों को विद्रोहियों के संगठन RUF ने बंधक बना रखा था और उन विद्रोहियों से कोई देश उलझना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि भारत को ऑपरेशन कुकरी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने किसी भी तरह की मदद देने से साफ मना कर दिया था। वहीं दोस्तों कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी भी इस ऑपरेशन से दूर रहना चाहते थे। वहीं भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी की ज्यादा टुकड़ियां थी। इस ऑपरेशन का नाम कुकरी इसलिए रखा गया क्योंकि गोरखा रेजिमेंट के सिपाही अपने साथ हमेशा एक कुकरी रखते हैं, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कुकरी रखा गया। और ये मिशन देश से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में विद्रोहियों के चंगुल में फंसे 223 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया था। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ था। दोस्तों बात 90 की दशक की है। अफ्रीका के सियेरा लियोन में तबाही मची हुई थी, लोग मारे जा रहे थे। साल 1991 से गृह युद्ध चल रहा था। न जाने कितने ही लोग इस गृह युद्ध की भेंट चढ़ चुके थे। किसी तरह से ये गृह युद्ध 8 साल बाद तब शांत हुआ जब 1999 में वहां की निर्वाचित सरकार ने विद्रोहियों को बातचीत के लिए राजी कर लिया और कई दौर की बैठक हुई यानी बातचीत हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि विद्रोहियों ने सेना और सरकार के साथ समझौता कर लिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस समझौते को पूरे देश में लागू करना। वहीं यूनाइटेड नेशंस वहां के हालात पर लगातार नजर रख रहा था और समझौते को लागू कराने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक शांति सेना तैयार करने का फैसला किया। फिर शांति सेना का गठन हुआ और भारतीय जवान भी इस शांति सेना का हिस्सा बने। दोस्तों अप्रैल सन 2000 में भारतीय सेना के जवान शांति सेना में शामिल हुए और उन्हें केलाहून और दारू इलाके में तैनाती दी गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1 मई सन 2000 को विद्रोहियों के संगठन रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कुछ लोगों ने मकेनी इलाके में सैन्य बलों पर हमला कर दिया। इस दौरान संपर्क न होने की वजह से केलाहून में तैनात टुकड़ी को इसकी खबर नहीं लगी। अगले दिन वहां सेना के कुछ कमांडरों की विद्रोहियों के नेताओं के साथ बैठक थी। उसी दौरान विद्रोहियों ने बैठक के बहाने सैन्य कमांडरों को बंधक बना लिया और पूरे इलाके में कब्जा कर लिया। दोस्तों तब 10 दिन बीत चुके थे। वहां की जनता और शांति सेना के दबाव में विद्रोहियों ने बैठक में शामिल होने के लिए गए कुछ चुनिंदा अधिकारियों को वापस बेस पर जाने की इजाजत दे दी, साथ ही कुछ बंधकों को भी रिहा कर दिया। लेकिन आगे हालात बिगड़ते जा रहे थे। विद्रोहियों ने 500 केन्याई शांति सैनिकों के हथियार छीन लिए और फ्री टाउन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात से इलाके में दहशत का माहौल था। इसी बीच ब्रिटिश सैनिकों ने फ्री टाउन से नागरिकों और कर्मचारियों को हटा दिया था। वहीं सैन्य दल की क्विक रिएक्शन फोर्स ने मगोर बका में मोर्चा संभाला, जहां विद्रोहियों ने बड़ी संख्या में केन्याई सैनिकों को घेर लिया था। फिर वहां QRF टीम ने अपना दबदबा बनाया और विद्रोहियों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया और केन्याई लोगों को बचा लिया गया। लेकिन केलाहून में हालात खराब होते जा रहे थे। वहां 5वीं और 8वीं गोरखा राइफल की दो कंपनियां सैकड़ों RUF विद्रोहियों के बीच अपने बेस में घिरी हुई थी। फिर मौका पाकर भारी संख्या में वहां मौजूद विद्रोहियों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। फिर भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए हर संभव रास्ता ढूंढा जा रहा था। विद्रोही नेताओं से बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब भारतीय सेना इंतजार नहीं कर सकती थी। भारत ने विद्रोहियों के कब्जे से अपने 223 जवानों को किसी भी हाल में छुड़ाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। उधर विद्रोही किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे और इधर भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन इन दोनों ही देशों ने मदद करने से मना कर दिया। अब दोस्तों भारत के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए भारतीय सेना ने विद्रोहियों को सबक सिखाने की ठान ली और इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ चुकी थी। सरकार ने UNA MSIL में शामिल सभी देशों और UN से बातचीत की और केलाहून में RUF पर सैन्य कार्रवाई करने का आइडिया दिया।
दोस्तों यूएन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन यूएनए एमएसआईएल में शामिल बाकी सभी देश भारत के नेतृत्व में सेन ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। दोस्तों यूएनएएमएसआईएल का मतलब यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सियरा लियोन है। ये अलग अलग देशों की वो फोर्सेस थी जो सियरा लियोन में काम कर रही थी। इसके लिए पूरा प्लान बनाया गया और ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कुकरी। वैसे तो ये ऑपरेशन यूनाइटेड मिशन के नेतृत्व में किया गया, लेकिन बंधक भारतीय सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने के कारण भारतीय सेना को इसकी जिम्मेदारी दी गई। कारगिल युद्ध में वीरता के झंडे गाड़ने वाली 18 ग्रेनेडियर और सेकंड पैरा एसएफ को ऑपरेशन कुकरी की जिम्मेदारी दी गई। पैरा एसएफ के जवान भेस बदलकर आरयूएफ के कैंपों में गए और सैटेलाइट फोन से सारी जानकारी हेडक्वार्टर भेजी। जो भी जानकारी दी जा रही थी वो जवानों द्वारा मलयालम में दी जा रही थी ताकि आरयूएफ को पता नहीं चले। इन्हीं जानकारी की बदौलत ये ऑपरेशन दुनिया के इतिहास का सबसे इफेक्टिव ऑपरेशन होने वाला था। दोस्तों आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां का कोई जियोग्राफिकल मैप मौजूद नहीं था, लेकिन पैरा कमांडोस ने टूरिस्ट मैप का इस्तेमाल इस ऑपरेशन में किया था। दोस्तों 15 जुलाई को रॉयल एयर फोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने भारत के 80 पैरा एसएफ के कमांडो को आरयूएफ के इलाके में ड्रॉप कर दिया। साथ ही पैरा कमांडोस को कोई एक्सटर्नल एयर सपोर्ट या आर्टिलरी सपोर्ट भी नहीं मिला था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा खराब था और काफ़ी बारिश हो रही थी। यानी पैरा कमांडोस को जो करना था वो अपने दम पे करना था। दोस्तों इन 80 कमांडो में से 40 कमांडो ने जिमिला गांव पर और 34 कमांडो ने बंदा जुमा जंक्शन पर हमला बोल दिया। बाकी के 6 जवानों ने उन कैंपों पर हमला किया जिनमें यूएन के मिलिट्री ऑब्जर्वर और गोरखा के जवानों को रखा गया था। कमांडो ने पहले यूएन के ऑब्जर्वर को बाहर निकाला ताकि लोग ये न सोचें कि इंडियन आर्मी का मकसद सिर्फ अपने ही जवानों को बचाना था। इस तरह बंधकों को मुक्त करवाने के बाद कमांडो आगे बढ़ते रहे और केलाहून के टाउन सेंटर तक पहुंच गए। साथ ही भारत के Mi-35 हेलीकॉप्टर ने कमांडो को कवर फायर देना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ दारू कॉलम जिसमें 18 ग्रेनेडियर शामिल थे, इन्होंने दारू पर हमला कर दिया और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दारू के अंदर और बाहर आने वाले रास्तों पर कब्जा किए जा रहे थे। और साथ ही बंदियों को हेलीकॉप्टर से एयर लिफ्ट करके सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। इस तरह दोस्तों पैरा एसएफ के कमांडो और 18 ग्रेनेडियर के जवानों ने दारू और केलाहून पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी भी ऑपरेशन का आखिरी और सबसे मुश्किल काम बाकी था, वो था पेडम्बू में आरयूएफ के हेडक्वार्टर पर हमला करना। आरयूएफ के आतंकवादियों ने हेडक्वार्टर को चारों तरफ से घेर रखा था और वहाँ उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। वहीं इस पर आरपीजी और एलएमजी भी लगी हुई थी जो इसे बिल्कुल एक बख्तरबंद किले की तरह सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। दोपहर में 1 बजे Mi-35 हेलीकॉप्टर हेडक्वार्टर के ऊपर से एक के बाद एक 5 बार गोलियां बरसाते हुए गुजरे और हेडक्वार्टर को घेरे हुए आतंकियों का सफाया कर दिया। इसी बीच पैरा एसएफ 2 और 18 ग्रेनेडियर ने भी जमीनी रास्ते से हमला बोल दिया। शाम 6 बजे तक पेडम्बू से आरयूएफ के लगभग सभी आतंकी मारे गए और जो बचे थे वो हथियार छोड़कर भाग चुके थे। अब पेडम्बू पर भारत का कब्जा था। अगले दिन भारतीय सेना ने आरयूएफ के हथियारों के गोदामों को आग के हवाले कर दिया। 16 जुलाई की सुबह 10 बजे भारत का आखिरी Mi-35 बचे हुए जवानों को लेकर निकल गया और तब ऑपरेशन कामयाब हो चुका था। वहीं दोस्तों ये आज तक का सबसे इफेक्टिव ऑपरेशन क्यों था, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन करने के बाद भी भारत की तरफ से सिर्फ एक जवान शहीद हुआ था। और ये ऑपरेशन इकोनॉमिकली बहुत ही किफायती था, क्योंकि यूएसए जैसे देशों को ऐसे ऑपरेशन को करने में 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। और ये आज तक की आरयूएफ की सबसे बुरी हार थी। इसके बाद यूएनएएमएसआईएल को आरयूएफ को सरेंडर करवाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी और इस ऑपरेशन के बाद में भारत की सेना को सियरा लियोन के लोगों से बहुत प्यार व सम्मान मिला। दारू में जहां से भी सेना गुजरती वहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और तो और वहां के नागरिकों ने गोरखा राइफल के सम्मान में मोवा नदी के किनारे कुकरी वॉर मेमोरियल भी बनाया और भारत की सैन्य क्षमता को पूरी दुनिया में अब नए नजरिए से देखा जाने लगा था। तो दोस्तों ये वीडियो थी ऑपरेशन कुकरी के बारे में।